सब्सक्राइब कीजिए इंचन जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंचन शेख और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल इंचन जी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को परमानेंटली क्लोज या फिर डिलीट कर पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में अपने लिंक्डइन अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद आपको दिखेगा मी का ऑप्शन, ऊपर की तरफ आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के बगल में मी का ऑप्शन, तो आपको मी में क्लिक करना है। मी में क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, तो आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने आएगा फिर से एक और पेज जहाँ पे आपको अपनी बाईं ओर नीचे की तरफ मिलेगा अकाउंट्स का ऑप्शन, तो आपको अकाउंट्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिलेगा क्लोजिंग योर लिंक्ड इन अकाउंट और दाईं ओर मिलेगा चेंज का ऑप्शन, तो चेंज में क्लिक करना है आपको। उसी लाइन में चेंज में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना रीज़न देना होगा कि किस वजह से आप अपने इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या फिर क्लोज करना चाहते हैं। तो आप अपने जो भी रीज़न है उसे बताइए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको डालना है अपना पासवर्ड, लिंक्डइन का जो पासवर्ड है उसे डालना है। डालने के बाद आपको अनसब्सक्राइब मी फ्रॉम लिंक्डइन ईमेल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इनविटेशन, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा क्लोज अकाउंट का ऑप्शन, तो आप क्लोज अकाउंट में क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आप यह ध्यान रखिए कि आप अगले 1 महीने तक अपने इस अकाउंट को लॉगिन मत कीजिएगा। लॉगिन करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।